आज के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बैकुंठपुर नगरपालिका के वर्तमान पार्षद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के ब्लॉक महामंत्री संजय जायसवाल जी से। तो आइए इनसे चर्चा शुरू करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर आपके पार्टी की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? विधानसभा चुनाव की बढ़त क्या लोकसभा में बरकरार रख पाएगी कांग्रेस? लोकसभा को लेके देखिए, पार्टी में बहुत बड़ी तैयारी है। और क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने 3 राज्यों में अपना जीत दर्ज कराया है, और ये तैयारी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि हमको दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है जी। दिल्ली में हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल भैया जी, और उनकी बहुत बड़ी ताकत बन के अभी जो सामने आई हैं हमारी प्रियंका दीदी, और हमारे राहुल गांधी जी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए, और जो पिछले भाजपा के शासनकाल में जो बड़े बड़े वादे किए गए जनता से, और बहुत बड़ा एक नुकसान कहिए या इस देश की बदहाली कहिए, जो किसानों ने आत्महत्या करनी चालू कर दी जी। किसानों का आत्महत्या करना मतलब देश की बहुत बड़ी नाकामी, या सरकार में बैठे हुए पद पे हमारे जो पदासीन जो पार्टियों के नेता बैठे हैं उनकी बहुत बड़ी नाकामियों को, किसानों ने जो आत्महत्या की वो बहुत बड़ी इनकी नाकामियां रही हैं, और बदस्तूर किसानों की आत्महत्या यहाँ पे जारी है, और बदस्तूर ये अगर चलता रहा तो हमारे देश की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। हम लोगों ने, हमारे राहुल गांधी जी ने देखिए 15 लाख की घोषणा नहीं की है जी। किसानों को हम 72,000 रुपये सालाना देने का अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने इस बात को रखा है, जो कि हम करके दिखाएंगे। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, और इससे मैं मानता हूं कि किसान, हमारे किसान भाई प्रभावित होंगे और यहां की जनता प्रभावित है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद जैसे हमारे सीएम और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, हम लोगों ने वादा किया था कि 10 दिन में हम लोग किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे, तो 10 दिनों में नहीं, हम लोग सिर्फ 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ़ी का ऐलान किया। तो जनता हमारे ऊपर बहुत भरोसा और एक उम्मीद के नज़र से हमको देख रही है, और बहुत बड़ा इसका लाभ हमें लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। संजय जी, लोकसभा चुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप लोग? देखिए, जनता के बीच मैं नहीं मानता हूँ कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 3 राज्यों में हम लोगों ने जो जीत हासिल की है, और जनता का जो उम्मीद है उस पर हमने खरा उतरने का भरपूर प्रयास किया है, और जनता को ये लग रहा है कि एक बदलाव की स्थिति बनी हुई है, और ये बदलाव, मेरा यह मानना है कि इन 3 प्रदेशों में ये बदलाव बड़ा बड़ा बदलाव रहेगा, और जनता की उम्मीद पे हम लोगों ने जो खरे उतरने का प्रयास किया है, अगर जनता हमें लोकसभा में हम जिता के लाती है, हमारे पार्टी को बढ़त दिलाती है, हमारा सरकार बनता है, तो हम जनता की उम्मीद पे खरे उतरने का भरपूर और प्रयास करेंगे जी। लेकिन कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि उन्हें अभी भी लगता है कि वे विपक्ष में हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या उनके सम्मान में कोई कमी की जा रही है? देखिए, कार्यकर्ताओं का कहना कहीं हद तक जायज है। मैं यह मानता हूँ कि 15 साल से जो हम विपक्ष में रहे हैं, कोई अगर कोई भी व्यक्ति एक लंबे अरसे से पार्टी से बाहर रहता है या वो विपक्ष की भूमिका निभाता है, और हम 15 साल बाद अगर सत्ते पे आते हैं, कब्जा मिलता है या जनता हमें बैठाती है, तो एक छोटे समय में, ये 4 महीने हमें सरकार बनने के बाद 4 महीना हमारा बीता है, तो इन 4 महीनों में हम सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए। हमारा कार्यकाल अभी 5 साल का है,
कार्यकर्ता संतुष्ट होंगे, कार्यकर्ता खुश होंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान सबसे आगे होगा, ये हमारी पार्टी का मानना है। हमारे राहुल गांधी जी का कहना है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सबसे पहले होगा, क्योंकि वो हमारे उन्हीं के बलबूते, उन्हीं की मेहनत से आज हम प्रदेश में अपनी सरकार बना चुके हैं और देश में भी अपनी सरकार हम कार्यकर्ताओं के बदौलत ही बनाएंगे। तो कुछ कार्यकर्ताओं में संतुष्टि है, उसको दूर करने का प्रयास पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। नोटबंदी, जीएसटी और महंगाई जैसे मुद्दों को कैसे भुना पाएगी कांग्रेस? देखिए, नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैसला था जिसको पूरी तैयारी के साथ, मेरा यह मानना है कि नोटबंदी होना ठीक है, नोट बदलना भी चाहिए और बदलना जरूरी भी है, लेकिन ये पूरी तैयारी के साथ नहीं किया गया जी। क्योंकि लोगों ने धक्के खाए, कई मरीजों को अपने खाते में पैसे होने के बाद उनका इलाज नहीं हो सका, कितने लोगों की शादियां जो तय हो चुकी थी, शादियां तय होने के बाद वो पूरी उनकी जो इंतजाम थी वो पैसा न मिलने के कारण उनकी पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त रह गई। लोग अपने पैसे को निकालने के लिए बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनें लगा के खड़े रहते थे और पुलिसकर्मी परेशान होकर प्रशासन के लोग लाठियां चार्ज करते थे। तो मैं यह मानता हूं कि ये डिसीजन तो सही था, लेकिन ये पूरी तैयारी के साथ नहीं किया गया। अगर यह पूरी तैयारी के साथ किया गया होता तो शायद इसका भी रिजल्ट अच्छा होता, लेकिन इसका जो रिजल्ट था, लोगों ने इसको महत्वपूर्ण कदम माना, लेकिन इसके जो परिणाम घातक निकले उसे लोग भूल नहीं पाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, इसका फायदा क्या चुनाव में भाजपा ले पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात अपन करें तो सर्जिकल स्ट्राइक में फायदा तो हमें मिला है, लेकिन इसके प्रमाणित परिणाम नहीं है। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करना ठीक है अगर सामने वाला देशद्रोही है या विरोधी है या हमारे पे हमला करता है, तो उसका हल हमें और तरीके से भी निकालना चाहिए जी। क्योंकि आतंकवाद हमारे ऊपर लगातार हमला कर रहा है। मोदी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए थे कि मैं एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा, मैं अपने जो हमारे देश के सुरक्षाकर्मी हैं उनको मैं सहयोग करूंगा, तो बड़े बड़े वायदे उनके वायदे तक सीमित रह गए। सर्जिकल स्ट्राइक का हमें बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला है और उसके प्रमाणित, मैं मानता हूं कि प्रमाणिकता के साथ जो सत्ताधारी पार्टी है वो साबित नहीं कर पाएगी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक सही था। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को नहीं हुआ है, जो जैसा कि मोदी जी ने कहा था लोकसभा चुनाव में कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो मैं नहीं मानता हूँ। अगर वो देश झुकता, वो देश के साधन संसाधन बंद किए गए होते और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बहुत बड़ा भारत और पाकिस्तान का रिश्ता रहा है उसको ख़त्म करना था, उसको झुकाना था, उस देश को बताना था कि हम आज हमारे बलबूते पे आप चल रहे हैं, उसकी शक्तियों को कम करना था, अपनी शक्तियों को उभार के लाना था। और ऐसा करने से मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का मनोबल जो है, वहाँ बैठे हुए सत्ताधारी लोग हैं उनका मनोबल गिरता और आज हम अच्छे एक जगह पे मजबूत इरादों के साथ खड़े होते। मैं मानता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का बहुत बड़ा फायदा मोदी जी को नहीं मिलेगा। ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सीट से कितनी मजबूत दिख रही हैं? देखिए, ज्योत्सना महंत क्योंकि यहाँ पे चरणदास महंत जी का नाम आ जाता है, चरणदास महंत हमारे बहुत बड़ा नेता हैं, मध्य प्रदेश शासन काल में इनके पिताजी गृह मंत्री हुआ करते थे, और मैं यह मानता हूं कि चरणदास महंत एक नाम ही नहीं है,
चरणदास महंत लोगों के चरण के दास हैं, उनका नाम उनके पिताजी ने हमारे एक कार्यक्रम में महंत जी ने हम लोगों से बताया था कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम चरणदास ही महंत क्यों रखा, क्योंकि मैं लोगों के चरण का दास ही रहूं चाहे मैं जितना बड़ा हो जाऊं। और वाकई में चरणदास महंत जी से मिलने के बाद लगता है कि वो लोगों की सच्ची सेवा करते हैं। आप अभी वर्तमान सांसद बंसीलाल महतो जी को आपने देखा होगा कि उनसे ज़्यादा, मतलब जीते हुए प्रत्याशी या जीते हुए सांसद से ज़्यादा हमारे चरणदास महंत जी पूरे क्षेत्रों का दौरा करना लगातार उन्होंने बदस्तूर जारी रखा। और इसका बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को इस लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। और नाम जब उनकी वाइफ का आ जाता है, धर्म पत्नी का आ जाता है, तो भी एक राजनीतिक घराने से आई हुई हैं। हम लोगों को शायद राजनीति सीखने में समझने में 5 से 10 साल गुजर जाते हैं, वो राजनीतिक घराने में पैदा ही हुई हैं जी। और उनका सोच जो रहा है, लोगों से जुड़ाव जो रहा है, महंत जी का लोगों से लगाव जो रहा है, लगातार 5 सालों से जो लोगों के जनसंपर्क में रहे हैं, वो लोगों के दिल में बहुत बड़ी छवि है, बहुत बड़ी जगह है। और चरणदास महंत जी का नाम बहुत बड़ा नाम है, जो अपने आप को नेता नहीं है, कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ताओं के बीच में पाते हैं। और कार्यकर्ता जब उनके बीच में रहते हैं तो बहुत उत्साह और जोश के साथ उनके साथ रहते हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी धर्मपत्नी का नाम है तो कार्यकर्ता महंत जी को ही अपना नेता मानकर काम करेंगे। और जीत का जो सहरा रहेगा, लंबे आंकड़ों के साथ हमारी भाभी ज्योत्सना महंत जी के सरताज बनाकर हम लोग बैठे। महंत जी की पत्नी होने की वजह से ही उनको टिकट मिला है, और अगर वो जीत जाती है तो उनका काम भी महंत जी ही करेंगे, ऐसा भाजपा कहती है, आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सांसद जो व्यक्ति रहे, अगर मैं सांसद हूँ तो मेरी पत्नी काम करे, ये संभव नहीं है जी। ये संभव इसलिए नहीं है कि महंत जी हैं, महंत जी एक बहुत बड़े पद, संवैधानिक पद मैं कहूँगा, संवैधानिक पद पर आसीन हैं, और अपनी मर्यादाओं को वो सीमित रखे हैं। अभी भी उन्होंने अपने धर्म पत्नी के साथ यहाँ पे उनका आगमन हुआ था, लेकिन वो कहीं पे लोगों से ये नहीं कहे कि मतलब आप उनको वोट दें या मेरा सहयोग करें, बस लोगों से मिलना उनका मकसद था। और मैं मानता हूँ कि एक सांसद के रूप में हमारी भाभी ज्योत्सना महंत यहाँ पे बहुत अच्छे एक सांसद के रूप में काम करेंगे और बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और लोगों का काम, और एक महिला होने का, उनको महिला होने का बहुत बड़ा श्रेय उनको मिलने वाला है। उनको अनुभव, कितना अनुभव है राजनीति का? अब राजनीतिक घराने में अपन ये कहें कि राजनीतिक व्यक्ति की धर्म पत्नी होना बहुत बड़ी बात है, कैबिनेट की, विधानसभा के अध्यक्ष की पत्नी होना और केंद्रीय राज्य मंत्री की पत्नी होना, यह बहुत बड़ी बात है। और उनको राजनीति सिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो सीख चुकी हैं एक बहुत बड़े परिवार से। मैं आपको बताया कि बहुत बड़े परिवार से वो हैं, जो बचपन से वो राजनीति सीखते चली आ रही हैं। उनको लोगों से मिलना कैसे है ये नहीं बताना पड़ेगा, लोगों की समस्याएँ कैसे सुननी हैं वो नहीं बताना पड़ेगा, लोगों के पास कब जाना है या कब मिलना है, उनकी समस्याओं को दूर कैसे करना है, उनको ये सिखाना और बताना नहीं पड़ेगा। हाल ही में भाजपा के 2 नेता कांग्रेस में फिर से शामिल हुए हैं, इससे कांग्रेस में कितनी मजबूती हुई है? देखिए, यह जानकारी तो, इस जानकारी का जो शायद मीडिया के माध्यम से प्रकाशित भी किया गया था, सोशल मीडिया में भी ये खबर खूब चली, लेकिन इसका खंडन हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय नजीर अजहर जी ने किया है कि इनको पार्टी में वापसी नहीं लिया गया है। और ये सब
जो मीडिया में खबर चलाया गया है वो बहुत हद तक सच नहीं है। हमारे यहाँ के हमारी दीदी विधायक अंबिका सिंहदेव जी ने भी उनसे चर्चा करते हुए कहा कि अगर इनको पार्टी में लिया जाता है तो सच्चे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी का दिल से, मन से, तन से, धन से जो जिन्होंने काम किया है, उनके मन में ठेस, उनके सम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। और फिर इनको शामिल होने का भी जो खबर है ये कहीं ना कहीं तक एक हद तक झूठी है। और इनको जब आला अधिकारी या हमारे संगठन के पदाधिकारियों के सामने अगर फैसला लिया जाता है तो उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। राहुल गांधी जी ने न्याय योजना की घोषणा की है, ये सफल हो पाएगा? आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस पिछले लंबे अरसे से भारत में शासन करते चली आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के शासन में कभी कोई जातिगत राजनीति नहीं हुई। कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों ने ये नहीं बताया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। हम लोगों ने ये राजनीति कभी नहीं की। और हमारा भारत देश पूरे कहना चाहिए कि और देशों में हमारा एक सम्मान होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, भारत की पहचान होती है। तो हम लोगों ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी जातियों को एक समान देखते हुए, एक साथ रहकर, एक साथ मिलकर विकास करने का काम हम लोगों ने किया है। तो विकास करना एक नज़रिया से देखें तो न्याय दिलाना ही है। और अगर राहुल गांधी जी ने वादा किया है तो राहुल गांधी जी का परिवार का जो विरासत रहा है, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके दादी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो परिवार पूरा भारत के लिए समर्पित रहा है। तो हम लोगों ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। और राहुल गांधी जी ने अगर 72,000 रुपये सालाना गरीबों को देने का वायदा किया है तो हम अगर गरीब, राहुल गांधी जी का सोच है कि गरीब अगर ऊपर उठ गया, किसान ऊपर आगे आ गया और किसानों की आत्महत्या बंद हो गई और हमारे किसान जिस दिन हमारे देश के प्रति समर्पित रहेंगे, देश के प्रति ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो ये हमारे देश के प्रति एक न्याय से कम नहीं होगी। और यही हमारे राहुल गांधी जी की न्याय योजना है और हम इस योजना को गांव गरीब जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 6 बार करोड़ों का कर्जा लिया है, राज्य में कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में न्याय की बड़ी बड़ी बातें कैसे संभव हो गई? देखिए, भूपेश बघेल जी ने अगर 6,000 करोड़ का कर्जा इन 5 महीनों में लिया है तो हमारे प्रदेश को संपन्न और सुखी बनाने के लिए लिया है। पिछली सरकार 15 साल से सत्ता पे काबिज थी, 50,000 करोड़ का उन्होंने कर्ज लिया था, तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे प्रदेश में खनिज संपदाओं से भरा हमारा प्रदेश है, लोहा हमारे यहाँ, कोयला हमारे यहाँ, हीरा हमारे यहाँ, मतलब ऐसे ऐसे खदाने जो हैं कि इस प्रदेश को बहुत, पूरे भारत में इस प्रदेश को सबसे बड़ा अग्रसर होना था। रमन सिंह ने जो अपने कार्यकाल में ये चावल योजना चलाकर देश को बर्बाद किया है, देश को, हमारे प्रदेश को आर्थिक स्थिति खराब अगर हुई है तो ये रमन सिंह जी की योजनाओं से हुई है जी। रमन सिंह के कार्यकाल में हमारे मुखिया जो रहे, हमारे सीएम साहब रमन सिंह जी ने, उनके कैबिनेट मंत्रियों ने जो फैसला लिया था, चावल योजना, साइकिल योजना, वैवाहिक कार्यक्रम योजना, इसमें इतनी बंदर बांट कर दी गई। इनके मंत्री, अभी कैबिनेट के मंत्री ने ही इनके प्रति
आवाज और खिलाफत में आवाज उठाई थी कि मैंने रमन सिंह को आगाह किया था कि इतनी बड़ी दलाली ना की जाए, नहीं तो हम सत्ता पे नहीं रहेंगे, आप ऐसा ऐसा काम करिए तो हो सकता है कि हम सत्ता पे आ जाएं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है अपने सत्ताधारी पार्टी के ऊपर, अगर कैबिनेट का मंत्री उंगली उठाता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसको जनता को समझना चाहिए और इसको जनता को समझना चाहिए। भूपेश सरकार सारी जो उन्होंने घोषणा की है, क्या वो कर्ज लेकर इसे पूरा करेंगे? भूपेश सरकार, देखिए कोई भी सत्ताधारी पार्टी जब सत्ता पे आती है तो तत्काल जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका वेतन, हमारे विकास कार्य जो चल रहे हैं उनका पेमेंट, हमारे जो प्रदेश में संस्थाएं चल रही हैं उनका भुगतान, हमारे जो प्रदेश में गरीब किसान हैं उनको कर्ज माफ़ी देना, ये उस कर्ज माफ़ी के लिए, उस वेतन भुगतान के लिए, उस संस्थाओं को चलाने के लिए भूपेश सरकार ने या हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये कर्ज लिया है। और पिछली सरकार के कर्ज के रूप में जो 50,000 करोड़ का कर्ज हमें दिया गया है उसको एक हद तक हम कम करने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़े और हमारे प्रदेश के किसान आगे कैसे बढ़ें, इसमें लोकसभा के बाद अगर हमारे प्रदेश की जनता, देश की जनता हमें दिल्ली में बैठाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस पार्टी के बनते हैं तो इसमें एक बड़ा बदलाव आएगा। 50,000 करोड़ का कर्ज जो सरकार दे के गई है उसको हम कर्ज को पटाने का प्रयास करेंगे और इसमें बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं नेतागण करने वाले हैं। जी संजय जी, आपको क्या लगता है मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और क्या इस बार मोदी लहर नहीं रहेगी? देखिए मोदी लहर जो पिछले चुनावों में था, मोदी जी को लोग शायद प्रदेश देश के युवा एक शक्ति के रूप में पिछले चुनावों में देखा करते थे। उन्होंने घोषणा किया था, मुझे भी याद है कि हम लोग जब मंच माइक पे चढ़ते थे हमारे उद्बोधन के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं रहा करते थे, जब वो घोषणा करते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ, देश का मुखिया चुनता हूँ या आप चौकीदार चुनते हैं तो 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। तो एक बहुत बड़ा, बाद में उसी वादों को मोदी जी ने चुनावी जुमला कह दिया या उनके सहयोगियों ने चुनावी जुमला कह के दरकिनार कर दिया गया। तो मोदी जी और मोदी जी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे पहले तो इस बातों से निपटना है, इस बातों का सामना करना है कि पिछली सरकार में हम आने के लिए जो लोगों को प्रलोभन हम लोगों ने दिया था उस चीज़ से हम कैसे निपटें। कांग्रेस से तो ये बाद में लड़ेंगे, इनकी लड़ाई तो पहले अपने चुनावी जुमलों से होनी है और इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जी संजय जी, नगरपालिका क्षेत्र को छोटा कर दिया गया है, वार्ड कम हो जाने से इसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए यहाँ पे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष का तो कब्जा हो गया नगरपालिका पे, लेकिन वार्डों को छोटा करना यहाँ के कैबिनेट मंत्री ने नए वार्डों को ग्राम पंचायत बनाने का जो लिखित आवेदन देकर राज्यपाल जी से डिमांड किया गया था, तो वार्डों को छोटा करना एक ओछी राजनीति को यह दर्शाता है। वार्डों को बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि चर्चा और बैकुंठपुर को पूरे वार्डों को एक करके यहां नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश से हमारे
शहर को एक बड़ा बजट मिले, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, लोगों का अच्छे से विकास हो सके, सड़कों का जाल बिछे, बिजली विस्तार कार्य हो, पानी की आपूर्ति हो, तो किसी भी चीज़ को आप छोटे से बड़ा बनाने का प्रयास करना चाहिए, न कि बड़े से छोटा करने का। तो हम लोग तो ये अभी मांग रखेंगे कि भाई नगर पालिका को, नए वार्डों को और चर्चा और बैकुंठपुर को मिला के एक करके नगर निगम का दर्जा देने का प्रयास करें, ताकि हमारा शहर विकास की गाथा गढ़ सके। आरोप लगते हैं कि स्थानीय विधायक का स्वभाव लगातार बदलता जा रहा है, चुनाव के पहले और अब में काफी फर्क देखा जा रहा है, कार्यकर्ता कटेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 15 साल बाद हम सत्ता पे आए हैं, तो 15 साल पे सत्ता में आने के बाद तत्काल किसी को खुश नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ताओं की लंबी सूची है, लंबी जनसंख्या है, और एक विधायक हमारी अंबिका सिंह देव जी, हमारी दीदी ने, मैं मानता हूं कि अभी पेपर में एक के माध्यम से एक लोगों को सूचना और जानकारी दी कि पहले क्या है कार्यकर्ताओं की, कहीं गाड़ी पकड़ी गई तो कार्यकर्ता सीधे पहले विधायक के पास फोन लगाते थे कि यहाँ पे गाड़ी हमारी पकड़ ली गई है। मैं छोटा सा एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो हमारी दीदी का मानना था कि आप पहले हेलमेट लगाएं जी। तो अगर हमारी विधायिका ने ये बात कही कि आप हेलमेट पहले लगाकर चलिए, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए बात नहीं कही, ये कार्यकर्ताओं की सेफ्टी के लिए कही जी। कि हमारे कार्यकर्ता गाड़ी में हेलमेट लगाकर चलें। अगर इन बातों से कोई कार्यकर्ता नाराज है तो मैं इस बातों का तो ये नहीं मतलब समझता हूँ कि ये नाराज होने का कोई कारण होगा जी। बाकी हमारी दीदी बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, कार्यकर्ता खुश कैसे हों, कार्यकर्ता जुड़े कैसे, महिलाओं का सम्मान कैसे हो, महिलाओं को आरक्षण कैसे दिया जाए, महिलाओं को आगे कैसे लाया जाए, उनके जीवन में एक बड़ी बदलाव हो, और उनके मार्गदर्शक और हमारे भी मार्गदर्शक डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव रहे हैं, स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव रहे हैं, तो वो एक राज परिवार से होने के नाते मैं सोचता हूँ, मेरा यह मानना है कि कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में बहुत मजबूत होंगे, उनसे बहुत उनका लगाव भी रहेगा। ये चूंकि उनको 3-4 महीने का समय मिला है, ये काफ़ी कम है, और समय अगर मिलता है तो एक अच्छी कार्यकर्ताओं की जनसंख्या आप लोगों के सामने दिखेगी, और अच्छा एक हम कार्यकर्ताओं का सम्मान लेकर एक विकास की रणनीति बनाकर लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। संजय जी, फिलहाल कांग्रेस में कौन सी गुटबाजी हावी है अभी? कांग्रेस में देखिए सिर्फ एक ही गुटबाजी कहेंगे अपन, कांग्रेस की गुटबाजी। अगर इसको आप गुटबाजी कहेंगे, कोई देखिए किसी न किसी के मार्फत राजनीति में आया या किसी का सहयोगी है, तो लोग कहते हैं कि योगेश शुक्ला जी की गुटबाजी है, लोग कहते हैं वेदांति तिवारी जी की गुटबाजी है, लोग कहते हैं कि अशोक जायसवाल जी की गुटबाजी है। तो ये एक परिवार है, एक ये बड़ा श्रृंखला है कार्यकर्ताओं की, जो एक समूह है, उसको अपन गुटबाजी नहीं कहेंगे। एक ही गुटबाजी है, कांग्रेस की गुटबाजी, जो भाजपा से लोहा लेने के लिए, भाजपा से आमना सामना करने के लिए तैयार खड़ी है, और सभी कार्यकर्ता जो हैं हमारे कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। इसको मैं नहीं मानता हूं कि कोई गुटबाजी कहेंगे, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से राजनीति में कोई ना कोई आया है, इसको मैं नहीं मानता हूं कि कोई गुटबाजी कहेंगे। संजय जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बुलाया भाई, यहाँ पे आप लोगों ने आपने आने का मौका दिया, और जनता की समस्याओं का, जनता की आकांक्षाओं का आप लोगों ने
इस इन बातों को रखने के लिए मुझे मौका दिया। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात संजय जायसवाल जी से। हम फिर होंगे हाजिर किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।